आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में शनिवार की सुबह नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार व चालान काटे जाने का आरोप लगाते हुए घंटा घर पर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनके चालान भी काटे जाते हैं, जिसको वह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विनीत भटनागर ने सफाई कर्मचारियों को समझाते हुए मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी शांत हुए। सुपरवाइजर नगर निगम, आज मामला हुआ कि हमारे कर्मचारी निरंतर ड्यूटी पर जाते हैं, उनको हमारे ही कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारी जो हैं अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं और बिना वजह ही चालान काट देते हैं। इस चीज़ को लेकर आज भी हमारे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की। कल हमारे एक ड्राइवर हैं टेस्ट गैराज के, उनके सिर पर लाठी मारी और जो लाठी लगी तो आँख उनकी बच गई है। तो इस तरह की अभद्रता पुलिस विभाग के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अगर इस तरह की अभद्रता हमारे कर्मचारियों के साथ की जाएगी तो हम लोग अपना सफाई कार्य बंद करके काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। किन किन क्षेत्रों पे हमारे साथ सहारनपुर में मंडी समिति को हॉटस्पॉट एरिया में आने की वजह से सोमवार से दिल्ली रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कंटिगुअस एरिया वो पूरी तरीके से लॉकडाउन है, हॉटस्पॉट है। इसी प्रकार से जो हमारी सब्जी मंडी है, मंडी समिति, वहाँ भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो इसको कम्युनिटी स्प्रेड ग्रुप में ना फैल जाए और जो SOPs इसकी दी हुई है कि किस प्रकार से कंटेनमेंट जोन होना है, किस प्रकार से बफर जोन होना है, उसके तहत पुलिस प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि ये मंडियों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा और इसीलिए आज मंडी बंद भी है। कल से ये व्यवस्था शुरू करी जाएगी, वहाँ पे हमारे द्वारा फोर्स की व्यवस्था करी जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जिस प्रकार से सप्लाई चेन बनी हुई थी, होम डिलीवरी हो रही थी, उस प्रकार से ये आगे भी जारी रहे और किसी भी प्रकार की वहाँ पे कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना हो। सर, जो पुरानी मंडी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार सहारनपुर में आज समाजवादी रसोई की शुरुआत की गई, जिसमें नगर विधायक संजय गर्ग ने बताया कि रसोई में रोजाना 1000 खाने के पैकेट बनाए जाएंगे, जो कि गरीब व असहाय लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा। वास्तव में कोरोना वायरस की इस लड़ाई में लॉकडाउन का ये दूसरा अंतराल चल रहा है। पहले अंतराल में यहाँ हम लोगों ने लगभग 1500 राशन के पैकेट बांटने का काम किया था, परंतु इस अंतराल में साथियों की ये इच्छा हुई और यहाँ 2 समाजवादी कम्युनिटी किचन हम लोगों ने शुरू किए, एक लेबर कॉलोनी में और एक यहाँ राणा पैलेस में। और राणा पैलेस के इस किचन पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 1000 पैकेट रोज़ उन गरीब लोगों को जो कि रोज़ कमाने खाने वाले हैं, मानवता का संदेश देते हुए इस बात के साथ कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने का काम किया जाए। जहाँ शासन से भी हमने इस बात की मांग की कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिन्हें राशन नहीं मिल पाया, उन लोगों को भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राशन उपलब्ध कराया जाए। हम अपनी तरफ से भी उन तमाम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ये राशन जरूरतमंद तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। सहारनपुर में शनिवार को वार्ड नंबर 4 में पार्षद मोनिका सिंह व क्षेत्रवासियों ने सफाई कर्मचारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनको उपहार भेंट किए। इस दौरान पार्षद मोनिका सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे ऐसे नायक हैं जो कि इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे वार्ड को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। आज क्या प्रोग्राम था यहाँ? आज हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह है, जिसमें सफाई जितने कर्मचारी हैं हमारे जो दिन रात लगे रहते हैं उनका सम्मान का प्रोग्राम है। कोरोना वायरस के चलते इस महामारी में सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली बात है कि हमें महामारी से बचना भी है। उस महामारी के चलते हुए जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात सुबह शाम हम किसी भी समय जब उनको बोल देते हैं वो किसी भी टाइम आके सफाई में लग जाते हैं और ये उनकी मेहनत है जो सुबह को 5 बजे से लेके दिन के 2:30, 3, 4 बज जाते हैं। मेरे वार्ड में इतनी 22-23 से भी ज़्यादा कॉलोनी है और उसमें वो सब ये जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ये सब कार्य करते हैं। मैडम, कहीं कहीं इनका
सहारनपुर न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।